क्या है बेटा? सर्ग से सुंदर, सर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार नहीं थे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार नहीं थे कभी घर द्वार न छूटे। सर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना दे, क्योंकि मेरे काले जने का समय हो रहा है। बेटा उदम, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना कि क्यों करके एकलौता पुत्र है, तुम्हारे सिवा कौन है, इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना। और अगर पैसे कम पड़ गए हो तो माता जी से कहो और लेके जाओ, क्यों करके समय भी ज्यादा हो रहा है। अरे मुझे ऐसे क्या हो सकता है, और फिर वहां हमेशा मेरा मेरे जेब का हमेशा ख्याल रखते हैं। मैं मुझे पैसे कोई हो सकता नहीं है। ठीक है, कोई हो सकता नहीं। ठीक है, प्रणाम। ठीक है बेटा, जाओ जाओ स्कूल, जीते रहो। अरे यार सूरज से प्रिय प्रणाम। देखा मुन्ना की कितनी बड़ी सोच है। आखिर बेटा किसका है, आपका है ना? जी हाँ प्रणाम। बोलो। अरे हाँ, मैंने तो एक बात भूली जा रही थी। बेटा उधम चला गया और तुम भी जाओ महल में आराम करना। अरे स्वामी, अरे मुझे प्रजा की देख रेख करने अब जाना होगा। प्रणाम। बोलो ना। आपको कुछ मालूम नहीं है आज की रात मैंने क्या देखी है? क्या आज की रात में भोर में मैं ऐसा सपन देखी हूँ कि जैसा कि वो हकीकत ही है, हो गया ऐसा स्वामी। अरे कैसा सपना, कौन सपना? अरे भोर ही भोर, अरे सपने देखी पिया, अरे बेटा है कैद की सखियां थे। हमारा बेटा बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है, आपके लाश पे मैं बैठी रो रही हूँ, ये मेल का कोई पता नहीं हम कहाँ घर बिगड़ हो गए। नाथ मेरी बातों को समझिए, इसलिए आप अपनी नजरों के सामने से दूर मुझे मत कीजिए।
हेलो आ गए भाई, फैसला करें किनसे कतरवाना है, लाभ उठाएं, स्कीम चालू है। तुम्हें सपना हुआ हाँ ना, आज की रात सुबह भोर में हाँ, प्रे कहिए, सपना झूठे होते हैं? नहीं स्वामी, कभी सपना को अपना नहीं समझना चाहिए। अरे स्वामी, सपने कभी सच्चे भी होते हैं। प्रे मेरी भी बात सुनोगी? कुछ बोलिए। हमारा बाल का कोई करने वाला संसार में पैदा नहीं है। बाबू किसी भी स्वामी शशिकला, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा सोचना गलत ख्याल है। हमें तुम्हारे कहने का मतलब कि महाराज, आज की रात मैंने सपना देखी कि मैं आपकी लाश पे बैठी रो रही हूँ और बेटा उधम कैद की शक्तियाँ झेल रहा है, इसीलिए तुम्हारा दिल दुखी है। हमें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ महाराज? अरे क्या हुआ महारानी? महारानी जी को आज की भोर बहुत अचानक ऐसा सपना हुआ, किनके आंखों से आंसू गिर रहा है, इतना बहुत दिल दुखी है। समझाओ, समझा करके महल भेजो। महारानी जी, सपना कभी अपना नहीं होता है, उसको सपना समझ के भूल जाओ। आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहते रही हूँ, लेकिन महाराज जी का ख्याल रखना। महारानी आप चिंता न करें, महाराज जी से आप दूर नहीं जाना, उनके पास से भी रहना। ठीक है महाराज जी, आप चिंता न करें, हर हर हमेशा महाराज के साथ ही तो रहते हैं। ठीक है, तुम क्यों चिंता करती हो? हमें कुछ नहीं होगा, फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, अपना ख्याल जरूर रखना। जाओ महाराज, औरतों का दिल ही ऐसा होता है, जरा सी बात में वो विचलित हो जाती है। ठीक है राज सेवक महाराज, आज हमारा दिल कह रहा हमारे लिए बिस्तर लगाओ, सारी बातें छोड़ दो। महारानी चली गई, वो महल में आराम करेंगे, और आज हमारा भी दिल कह रहा कि आराम करें। इसके बाद फिर सुबह होते प्रजा की देख रेख फिर करना होगा। जो आ गया महाराज, जाओ हमारे लिए बिस्तर लगाओ। महाराज बिस्तर लग गया है, आराम कीजिए। राज सेवक जी, मैं जा रहा हूँ आराम करने। गेट पे तुम्हारा पहरा होगा, और पहरा तुम्हारा गहरा होना चाहिए महाराज, पहरा गहरा होगा, क्योंकि महारानी जी को सपना हुआ है, पता नहीं उस ऊपर वाले मालिक की मर्जी क्या है क्या नहीं। अरे महाराज तुम हो, औरतों की बात में आ गए हो। अरे महाराज, सीमा पार से एक से एक बड़े राजाओं की धमकी भरा पत्र आता है, तब आप इतना विचलित नहीं होते हैं जितना आज आप परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन राज सेवक,
अर्धाग्नि का मतलब जानते हो? जी महाराज। उसे औरत ही नहीं समझो। पता नहीं आज क्यों ऐसा महारानी ने हमारे सामने ये प्रश्न को। महाराज ऊपर वाला जो करता है ठीक करता है, ये आराम कीजिए। चलो बंदूक लेके गेट पे पहरा दो, मैं जा रहा हूँ आराम करने। आओ महाराज का आदेश है कि पहरा गहरा होना चाहिए। आइए पहरेदारी करते हैं, लगता है महाराज को नींद आ गई होगी। गुल्ला कैसे हो रहा भाई? महाराज का हुआ, नींद नहीं आ रही? का नींद क्या आ रही? ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गा रहा है। अरे महाराज, अरे बगल के गांव का मेला है ना सुकोई का। अच्छा अच्छा, हाँ तो हुआ। अब मेले में डीजे बज रहा है, वही का हल्ला है। अच्छा, वहाँ की आवाज यहाँ आ रही है? हाँ महाराज, आप ठीक है ठीक है, लेकिन होशियारी से पहरा देना। जी महाराज। समझ में आ गया, बेकूफ बना रहा है, डीजे बज रहा है, क्या बात है, क्या कारण है? अच्छा, तुम्हें भी नींद आ रही तो ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? आओ तुम, अगर नींद आ रही तो हमारे बगल में तुम भी आराम करो। हाँ ये हुई ना बात, काफी हो गई। आओ हम हल्लावे मचावत रहे कि महाराज कह दे चलता हूं सो जा। अब तई के आंखी लाग यार कुकुर भीतरे बाहर करे लाग। आओ सारे हफ्ते दौड़ा के गोली मार। करण सिंह, हाँ राज से वो सो गया। सो गया, मौका अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम गेट पर जाइए, मैं जा रहा हूँ। कोई गेट से अंदर ना आने पाए, नहीं आने पाएगा। मैं अपना काम करता हूँ, जाओ काम लगा दो।
अरे यार यह गांव में इतना मच्छर काटा थे सार काने में आके मुन 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 हर पता नहीं काने में का सुनावत है आओ मच्छरदानी लगाए के सोई नहीं सा सोवे न दे है मच्छर काटी लग गई अब ये बेधड़क सो गया करण सिंह हाँ अब ये सो गया हाँ एक काम करो बोलो इसका पैर बांधो बांधो ताकि जगने के बाद इसे मालूम पड़ जाए कि यहाँ भावर सिखाया था बहुत सही अब जाओ गेट पर जाओ काम लगा दो कोई जाने नहीं पाएगा महाराज विजय सिंह तूने मेरे भरी दरबार में अपमान किया है ना दयाराम नेता बहुत हो गया था मैं तेरी गुलामी हरामजादे 20 साल किया मेरी गुलाई व्यर्थ हो गई इतनी आसानी से अपमान का बदला भंवर सिंह नहीं घूट कर पी जाएगा जा कहना भगवान से कि ठाकुर भंवर सिंह मुझे मृत लोक से लोक भेज दिया जैसे हरामजादे नंबर एक नंबर दो नंबर चल भाग भाग कर भाग 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 नहीं सुहाता है ले महाराज बुलाए के पास में सुवाए हले हमार गोड़ बांध दीन हले हमार चप्पल हमारे हाथे में पहना दीन चलो महाराज से माफी मांग लेते हैं महाराज बहुत दयालु है माफ कर दे अरे राम 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 हमरे पहरेदारी में महाराज की हत्या हो गई अब तो हम ना बचब अब हमका फांसी फूसी हो अब तो हम मारे जाब कहा करी यार समझ में नहीं आवदा है महारानी जी ओ महारानी जी अरे महारानी जल्दी आइए गजब हो गया महारानी गजब होएगा क्या गजब हो गया महाराज महाराज क्या महाराज को क्या हुआ महाराज ठीक आइए आइए समय
नहीं मुझे आप छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं आपको मैंने बात समझाई, आपने मेरी बातों को मजाक मान रहे थे, मेरी बातों को झूठ मान रहे थे नाथ। अरे पिया सपने को मेरे झूठी बना, हर मेरे कहने पे हर ध्यान जराना, मानो मेरी पानी पर आए राम आपने अरपाती, मैंने तुझे बहुत समझाई थी कि महाराज जी का ख्याल रखना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों को मजाक में डाल रखा था। नहीं स्वामी नहीं, बना के क्यों बिगाड़ा रे, अर बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर परिवार।
दरबारी, क्या बात है? तेरे चेहरे में उदासी क्यों है? अरे ये पूछो कि का नहीं हुआ, का हुआ पता नहीं, केकर सारे की बहनी बिटिया आपको क्या हो, ओकर सारे की खटिया हचका चली जाए, ओकर माउथ हो जाए स्टूडेंट। अबे नमक हराम बोले क्या बात है? किसी ने महाराज की हत्या कर दिया। क्या कहा? हाँ, हाँ, महाराज का खून हो गया। हाँ, महारानी कहाँ पर है? महाराज के लाश के पास है। आओ महारानी, कैसे हुआ सब? क्या बात है महारानी? तो आप हो गया। आज ही मेरा दरबार में नहीं था, आज ही तख्तपुर छोड़ चला गया बाहर महाराज के अनुसार। आज ही शिकारी ने अपना शिकार खेल दिया। क्या मौजीलाल तुम यहां नहीं थे? नहीं हो, हम पहरेदारी में रहवा, बाहर से भीतर तो कौनो नहीं का, हमका लागत है कौनो कातिल सार पहले से घात लगाए के भीतर इन बैठ रहा। सही बोल रहे हो तुम, परसों दिन से तमन्ना लिए बैठा रहा, जैसा सोचा देखा कि आज भौर सिंह दरबार में नहीं है, बाहर गया हुआ महल से अपना काम कर गया। फिर वो करण सिंह कहा थे क्या आप बाहर चले गए थे? हाँ महारानी, आप राज दरबार में नहीं थे। मैं नहीं था। मेरे लाख मना करने के बाद मैं बार बार यही कहता रहा कि महाराज मुझे मत भेजो, लेकिन महाराज ने कहा नहीं भंवर सिंह, तेरे अलावा ये काम कोई कर नहीं पाएगा, चला जाएगा बकिया। आज ही चला गया, आज ही हरामजादे ने अपना काम दिखा दिया। सुनिए महारानी मेरी बात, सुनो मालिक ने जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा, जो भी आया दुनिया में कोई टिक पाएगा। बंद करो रो न धोना ऐ महाराज जी, बंद करो। दफनाइए हो रही देर ज्यादा, और न देरी करो काम क्रिया तो इनका है करवाइए।
रानी जी, ये दुनिया की रीत है, यहाँ जो आया है वो एक दिन जाएगा। महारानी घबराओ नहीं, तू अभी मैं हूँ, करिंदा साहब हैं, अभी रात दरबारी है, पूरे रात के सेवक आपके सामने है। महारानी घबराओ नहीं, राज सेवक दरबार के सिपाही बुलाओ, महाराज की अर्थी नमस्ता घाट जानी है, और जिसे जिसे महाराज के अर्थी में शामिल होना है तत्काल नमस्ता घाट पहुंचे। वो राज के जितने सिपाही हो, महाराज की अंतिम यात्रा